हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नसेट्स के बारे में। नसेट्स होता क्या है? नसेट्स एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जो आपके पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि कुछ जब स्टार्टिंग फेज में था तो नसेट्स जब डिस्कवरी नहीं हुई होती है तो सबसे पहले कार्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब जो स्टेरॉइड्स कैटेगरी के ड्रग होते हैं, उनको इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता था। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये सारे जो ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग थे, ये कुछ ओवर यूज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने लगे, तो इनको हटा के एक नए ड्रग की डिस्कवरी की गई। फिर उस ड्रग को यूज़ में लिया जाने लगा जिसे हम बोलते हैं नसेट्स। नसेट्स क्या होता है? नसेट्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मतलब जो अभी डिस्कवर किए गए ड्रग्स, ये आपका स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। मतलब जो पहले यूज़ किए जाते थे, उनको नाम से ही क्लियर है कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब उनमें स्टेरॉइडल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो स्टेरॉइडल नेचर में होते हैं, इसलिए उसको कार्टिकोस्टेरॉइड बोलते थे। जब उनका ज़्यादा यूज़ होने लगा तो वो क्या काम करने लगे, साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने लगे, जिससे उनके यूज़ को कम करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, नसेट्स का यूज़ क्या होता है? नसेट्स का यूज़ हम पेन किलर के तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब एनाल्जेसिक एक्शन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब अगर आपके पूरे बॉडी में, आपके मसल्स में, आपके पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, तो पेन को कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं। मतलब ये क्या काम करते हैं, परसेप्शन ऑफ पेन को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब जो एजेंट आपके बॉडी में पेन करवाने वाले एजेंट को सिंथेसिस कर रहे हैं, उन एजेंट के सिंथेसिस को ये ड्रग इनहिबिट कर देते हैं। डिक्रीज इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर देते हैं, एंड डिक्रीज फीवर, और फीवर को डिक्रीज कर देते हैं। नसेट्स क्या होते हैं? नसेट्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, आपके बॉडी में साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम का कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और आपके बॉडी में पेन का प्रसिप्शन और फीवर, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कॉक्स होता है ये क्या होता है, तो हम इसमें बात करेंगे आपका कि जब कभी आपको चोट लगती है, डियर फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी में कभी चोट लगती है तो उस पार्टिकुलर प्लेस पे एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं फास्फोलाइपेज एंजाइम। मतलब उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम। ये फास्फोलाइपेज एंजाइम आर्चिडोनिक एसिड का सिंथेसिस करता है। जब आर्चिडोनिक एसिड का सिंथेसिस हो जाता है तो कॉक्स के प्रेजेंस में, मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है। मतलब जब कभी आपके बॉडी में चोट लगा, किसी भी आपके बॉडी के किसी भी प्लेस पे, किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी पार्ट्स पे चोट लगती है, तो आपके बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है कि वो फास्फोलाइपेज नाम के एक एंजाइम का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, आर्चिडोनिक एसिड के सिंथेसिस को प्रोसीड करता है, और जब बॉडी में आर्चिडोनिक एसिड कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम के एंजाइम के साथ में कंबाइंड करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2 और F2 नाम के बहुत सारे केमिकल एजेंट होते हैं जिनका सिंथेसिस करवाते हैं और पेन का प्रिसेप्शन इंक्रीज करते हैं, फीवर इंक्रीज करते हैं और इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम कोई ड्रग, नसेट्स कैटेगरी का ड्रग जब हम देते हैं तो क्या काम करता है, कॉक्स को इनहिबिट कर देता है। कॉक्स एंजाइम का रोल होता है आपके म्यूकस के सिक्रीशन में। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नसेट्स होते हैं वो कॉक्स नाम के एंजाइम का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में कॉक्स 1 जो होता है वो म्यूकस के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि खाली पेट, इम्पटी स्टमक में आपको जो नसेट्स कैटेगरी के ड्रग होते हैं, मतलब जो पेन किलर, फीवर और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करते हैं, उनको नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन,
इन सब ड्रग को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? ये सारे ड्रग क्या काम करते हैं, आपके काक्स वन नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। काक्स वन एंजाइम क्या काम करता है, ये आपके म्यूकस, आपके स्टमक में म्यूकस का सिंथेसिस बढ़ाता है। लेकिन जब काक्स नाम का या काक्स वन नाम का एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो आपके स्टमक में या आपके जीआईटी में म्यूकस का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। जब म्यूकस का सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो HCl का तो सिक्रेशन कंटिन्यू रहता ही है, तो वो HCl आपके स्टमक के इनर लेयर पे अटैक करते हैं और वहाँ पे घाव बना देते हैं, तो उसी टर्म को हम अल्सर बोलते हैं। मतलब और कोई ऐसे ड्रग जो कॉक्स वन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है तो उससे पेप्टिक अल्सर काज होता है, आपके स्टमक में अल्सर काज होता है। तो उस साइड इफ़ेक्ट को या उस कंडीशन को दूर करने के लिए स्पेशली आपके सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स को बनाया गया। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये कई टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन आपका होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मतलब ये कॉक्स इनहिबिटर किसी भी साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। दूसरा क्या होता है, प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, मतलब जैसे इसमें आपका निमोसलाइड है, डाइक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक है, मेलोक्सिक है, में इटोडोलैक है। दूसरा आपका सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर में जैसे सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये सारे क्या काम करते हैं, सेलेक्टिव बाइंड करते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉक्स वन और कॉक्स टू दो एंजाइम होते हैं। कॉक्स वन एंजाइम क्या होता है, म्यूकस के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कॉक्स टू एंजाइम आपके पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, परसेप्शन ऑफ पेन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और आपके बॉडी में फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ड्रग क्या काम करते हैं, जब आपके बॉडी में कॉक्स वन को इनहिबिट करते हैं तो अल्सर काज करता है। अल्सर इसलिए काज करता है क्योंकि म्यूकस का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में ये भी आना चाहिए कि जो कुछ ड्रग, टू टाइप के ड्रग होते हैं, एक होता है कॉक्स टू सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। जो सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में कॉक्स टू को ही इनहिबिट करते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। और जो कॉक्स वन होते हैं अगर वो इनहिबिट होंगे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में म्यूकस का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा और आपको अल्सर काज होगा। दूसरा आपका कैटेगरी होता है ओपॉइड एनाल्जेसिक। ओपॉइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनाल्जेसिक ड्रग की बात करते हैं। यहाँ पे आपका नसेट्स बताना चाहिए हमको, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एनाल्जेसिक टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, दूसरा होता है ओपॉइड एनाल्जेसिक। ओपॉइड एनाल्जेसिक क्या काम करते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बाइंड करते हैं और जिस आपके ब्रेन में जिस पार्ट पे पेन का परसेप्शन जा रहा होता है उस सिग्नल को ही ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से आपके ब्रेन तक पेन का प्रिसेप्शन या फीवर का प्रिसेप्शन या इन्फ्लामेशन का प्रिसेप्शन नहीं पहुंच पाता है और आपको पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन की फीलिंग नहीं हो पाती है। तो ये क्या काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ये आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कॉक्स टू को इनहिबिट करके या कॉक्स वन को इनहिबिट करके या लॉक्स को इनहिबिट करके, लॉक्स होता है आपके साइक्लोऑक्सीजिनेज और वो लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स का सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जैसे जो लॉक्स होते हैं आपका ब्रोंकाई जो होता है, आपका लंग्स जो होता है, जब आपके लंग्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो आप सल्बुटामॉल खाते हो। सल्बुटामॉल क्या है, एक आपका लॉक्स इनहिबिटर है। मतलब जब आपके लंग्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो उस कंस्ट्रिक्शन को, या ब्रोंकाई में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए हम सल्बुटामॉल यूज़ करते हैं, तो सल्बुटामॉल आपका लॉक्स इनहिबिटर होता है। तो ये आपके इस तरीके से काम करते हैं। आपको, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इज एन ओपॉइड एनाल्जेसिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर पेन कॉज्ड बाय सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब कौन सा ऐसा ओपॉइड एनाल्जेसिक है जो सीवियर पेन में, सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है डाइमॉर्फिन, दूसरा है कोडीन,
तीसरा है मॉर्फिन, चौथा है नेलॉक्सिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायमॉर्फिन। जो डायमॉर्फिन होता है ये आपका ओपॉइड एनाल्जेसिक है, मतलब ओपॉइड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करेगा और जो सर्जिकल सर्जरी के दौरान जो पेन होता है उस सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए डायमॉर्फिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इज नॉट अ सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर क्या काम करते हैं, कॉक्स टू को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स टू को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस का सिंथेसिस होता है वो इंटरप्ट नहीं होता है। तो पहला इसमें ड्रग है सेलिकॉक्सिब, दूसरा है रोफिकॉक्सिब, तीसरा है केटोरोलैक, चौथा है वेल्डिकॉक्सिब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केटोरोलैक। जो केटोरोलैक है वो नॉट सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर नहीं है, मतलब सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर कैटेगरी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज मेड बाई एसिटाइलेटिंग सेलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एसिटिक एनहाइड्राइड को एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन सेलिसिलिक एसिड से करवाते हैं तो उसका फॉर्मेशन होता है। मतलब जब सेलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो उसका सिंथेसिस होता है। तो इसमें पहला ड्रग है डाइक्लोफिनेक, दूसरा ड्रग है एस्पिरिन, तीसरा ड्रग है आइबुप्रोफेन, चौथा ड्रग है पिरोक्सिकेम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। जब एस्पिरिन को हम क्या काम करें, एस्पिरिन का सिंथेसिस करवाने के लिए हम सेलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो आपके एस्पिरिन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा इज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एसिटिक एसिड नसेट्स मेडिकेशन, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव का नसेट्स कैटेगरी का ड्रग होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डाइक्लोफिनेक, दूसरा ऑप्शन है मेफनेमिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, चौथा ऑप्शन है पिरोक्सिकेम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइक्लोफिनेक। जो डाइक्लोफिनेक होता है वो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हैज़ आल्सो बीन प्रूवन टू बी अ ब्रॉड वैसोडायलेटर, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको वैसोडायलेटर के तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका है डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन और एसिक्लोफिनेक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आइबुप्रोफेन। जो आइबुप्रोफेन है वो वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपके बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब जब आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उनको रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए, उनको डायलेट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम वैसो डायलेटर कहते हैं। और यहाँ पर आपका आइबुप्रोफेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इज आर नसेट्स That is used to treat the indication of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा नसेट्स कैटेगरी का ड्रग है जो osteoarthritis और rheumatoid arthritis को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिरोक्सिकेम, दूसरा है सेलिकॉक्सिब, तीसरा है आपका आइबुप्रोफेन, चौथा है एस्पिरिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिरोक्सिकेम। जो पिरोक्सिकेम है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक नसेट्स कैटेगरी का मेडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सीड टू बी द प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पिरोक्सिकेम, दूसरा ऑप्शन है सेलिकॉक्सिब, एसिक्लोफिनेक, मेफनेमिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिकॉक्सिब। जो सेलिकॉक्सिब है वो डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा ऐसा ड्रग है जो कॉक्स वन और कॉक्स टू पे बाइंड करता है, बाइंड्स टू अ कॉक्स वन एंड कॉक्स टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रिसेप्टर, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एक्टिविटी। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कॉक्स टू या कॉक्स वन दोनों पे बाइंड करके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका पैरासीटामॉल, दूसरा है सेलिकॉक्सिब, तीसरा है डाइक्लोफिनेक, चौथा है मेफनेमिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेफनेमिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एस्पिरिन एक्सेप्ट द एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें एस्पिरिन के जैसे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है बट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एसिक्लोफिनेक,
पैरासीटामॉल, पिरोक्सिकैम, आइबुप्रोफेन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासीटामॉल। जो पैरासीटामॉल होता है उसमें एनाल्जेसिक जनरली वो एंटीपायरेटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, बट इसमें थोड़ा बहुत एनाल्जेसिक एक्शन भी मिलता है और बिल्कुल जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है वो ना के बराबर मिलता है। मतलब पैरासीटामॉल में आपके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बिल्कुल नहीं मिलता है, ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी का ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज सेड टू रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड जनरेशन इन ह्यूमन आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है ये जो ह्यूमन आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स में नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन को, जनरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एसिक्लोफिनेक, एस्पिरिन, सेलिकॉक्सिब, मेफनेमिक एसिड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिक्लोफिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग व्हिच रिड्यूसेस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एंटीपायरेटिक एजेंट, एनालेप्टिक एजेंट, एंथेलमेंटिक एजेंट, एंटी अमेबिक एजेंट। एंटी अमेबिक एजेंट क्या होते हैं, जो आपके बॉडी में जब अमीबियोसिस हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम एंटी अमीबिक ड्रग बोलते हैं। एंथेलमिंटिक ड्रग क्या होते हैं, जो आपके पेट से कीड़ा को बाहर निकालते हैं, मतलब जैसे एल्बेंडाजोल आता है, मेबेंडाजोल आता है, उस ड्रग को हम एंथेलमिंटिक ड्रग बोलते हैं। एनालेप्टिक क्या है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर, जो आपके ब्रेन को काम करने के लिए, आपके ब्रेन को एक्साइटमेंट कंडीशन से रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम एनालेप्टिक ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटी पायरेटिक एजेंट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो एंटी पायरेटिक एजेंट होते हैं वो फीवर को, एलिवेटेड फीवर मतलब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी पायरेटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच आर यूज टू रिलीव द पेन आर कॉल्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एनाल्जेसिक, दूसरा ऑप्शन है डायूरेटिक्स, तीसरा ऑप्शन है डायग्नोस्टिक एजेंट, चौथा ऑप्शन है विटामिन्स। विटामिन्स आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो को साइकिल चलते हैं, मतलब अपने आपके बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के साइकिल चलते हैं उनको प्रोसीड करवा के परफॉर्म करवाने का काम करते हैं, मतलब उनको कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। आपके बॉडी में की रोल प्रोवाइड करते हैं, मल्टी विटामिन का रोल करते हैं। आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल एजेंट के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होते हैं, अगर के कभी आपके बॉडी में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक केमिकल को अप्लाई करके आपके बॉडी में आपके किसी भी ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, एक रेडिएशन होता है, एक साउंड होता है, जब आपके उस पार्टिकुलर ऑर्गन पे वो रेडिएशन डालते हैं तो वहाँ से एक साउंड उनको सुनाई देता है, उसी को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताया हूँ कि जब अल्ट्रासाउंड आप करवाते हो तो उस एग्जांपल के तौर पे आपने स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर्स क्या होते हैं उस पर एक केमिकल लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनर पार्ट आपके क्लियरली विजुलाइज हो पाते हैं, तो उस ड्रग को हम डायग्नोस्टिक एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब द ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ यूरिन, दैट इज़ कॉल्ड एज डायूरेटिक्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो होते हैं वो आपके बॉडी के पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामॉल इज यूज टू रिलीव पेन एज गिवन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है हेडेक, टूथएक, न्यूरोलजिया, दूसरा ऑप्शन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, चौथा ऑप्शन है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या होता है, जो आपके मसल्स और स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये यूरिक एसिड क्या काम करते हैं, आपके जॉइंट्स में एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉइंट्स में एकुमुलेट होने की वजह से जो जॉइंट्स में फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं उन सारे फ्लूइड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपके जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, फीवर, रेडनेस,
आता है तो उस कंडीशन को, उस सिम्टम्स को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जेनेटिक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेडेक, टूथेक और न्यूरोलॉजिया में को ट्रीट करने, इसको छोड़ के बाकी क्या लिखा, पैरासिटामोल इज यूज टू रिलीव पेन एज गिवन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब इसको छोड़ के और सब में पैरासिटामोल को यूज किया जाता है, हेडेक, टूथेक, न्यूरोलॉजिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आर नोन एज, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं वो इन्फ्लामेशन को ही रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्रांड नेम ऑफ इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन का ब्रांड नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिप्लासिड, आइबुजेसिक, एसिफेन, ब्रूफेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिप्लासिड, जो सिप्लासिड है वो आपके इंडोमेथासिन का ब्रांड नेम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोरियन ब्यूटाइल 1,2-diphenyl pyrazolidine 3,5-dione इज अ केमिकल नेम ऑफ, मतलब ये कि किस ड्रग का केमिकल नेम। तो डियर स्टूडेंट्स ये नाम से ही क्लियर है, पहला ऑप्शन इसमें फेनाइल ब्यूटाजोन का है, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन का है, तीसरा आइबुप्रोफेन का है, चौथा ऑप्शन है आपका इंडोमेथासिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेनाइल ब्यूटाजोन, नाम से ही क्लियर है, डाई फेनाइल का ऑप्शन है तो फेनाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल का ऑप्शन है तो ब्यूटा हो जाएगा, ठीक है, ओन ओन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेनाइल ब्यूटाजोन का, ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, और स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर, जितने भी MCQs का वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये सारे MCQs आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मैं बहुत सारे जगहों से आइसोलेट करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।